नमस्कार, हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हरीना कौरव। शुरुआत हरियाणा की खबर से। आज हरियाणा के जींद में बीजेपी की हरियाणा गौरव रैली होने जा रही है। जींद में होने वाली इस रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी की इस गौरव रैली में करीब 8 बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है। 11 सितंबर को जींद में आयोजित होने वाली बीजेपी की गौरव रैली में हरियाणा को करोड़ों रुपए की करीब 8 बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है, जिनमें सफीदों में इंटर कॉलेज, स्टेडियम, जींद में पॉलिटेक्निक, 33 केवी क्षमता का बिजली घर, बड़ौती में जलघर समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर करीब 80 करोड़ की लागत आएगी। हमारा जिला ही ऐसा बचा हुआ था शायद हरियाणा में, जहाँ अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति भी 8 साल के बाद हमारे को मिली है और वो बुढ़ायन गांव में उसकी स्थापना हो गई। गांव ने 10 एकड़ जमीन दी है। माना जा रहा है कि इस दौरान मेडिकल कॉलेज, पानीपत रेलवे लाइन ओवरब्रिज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। जींद में आयोजित होने वाली इस रैली के लिए कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। अधूरे काम उसको भी हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उसको पूरा करने का काम करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो सारी घोषणाएं पूरी करने का काम। बीजेपी का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। इस गौरव रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा हरियाणा मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। जी मीडिया के लिए जींद से राजकुमार गोयल की रिपोर्ट। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जींद से मौजूद हैं हमारे संवाददाता कुलबीर दीवान। कुलबीर, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि आज जींद में गौरव रैली होनी है, भव्य तैयारियां की गई हैं, आप मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें वहां की हमें जरूर दिखाइए कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके के होर्डिंग्स लगे हुए हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रीना, पहले मैं सबसे पहले आपको स्टेज की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि एक बार स्टेज का जो दृश्य है वो दिखा दिया जाए दर्शकों को, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की गौरव रैली जो है वो होगी और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो जुड़ेंगे। खासतौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो यहाँ पर होंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो यहाँ पर होंगे। प्रकाश जावड़ेकर, उनकी आने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से जुड़े दिग्गज नेता जो होंगे। खासतौर पर इस रैली की तैयारियों के लिए सांसद जो है वीरेंद्र चौधरी, वो तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो यहाँ पर अपना भाषण जो है दे सकते हैं। कहीं ना कहीं वो पिछली सरकारों पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनके क्षेत्र की अनदेखी की गई है। और जहाँ तक अब जिस तरह से 8 बड़ी परियोजनाएं जो है यहाँ से शुरू होने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं उनका ये शिकवा जो है वो दूर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यापक जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा जो लोग रैली में आएंगे उनके बैठने के लिए बाकायदा कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था को, क्योंकि ना केवल हरियाणा के जो दिग्गज नेता हैं मुख्यमंत्री सहित वो यहाँ पे पहुँचेंगे, बल्कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो भी पहुँचने वाले हैं। लिहाजा इन तमाम इंतजामों को देखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कड़े किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 5,000 के आसपास जो पुलिस के जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। फिलहाल रीना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी इक्का दुक्का लोग ही आने शुरू हैं, क्योंकि अभी 11 बजे का रैली का टाइम है और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँचने वाले हैं। रीना जी, बिल्कुल, तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं, 5,000 के करीब पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। तस्वीरें सीधी आप जींद से देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलबीर, इस तमाम जानकारी के लिए।